नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत ही अशुभ घटना के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करते हैं आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऑल बी नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, आज हम आप सभी को से बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटों के बारे में। दोस्तों, कैसे दुश्मन आपकी नाकामियाँ पर ताली बजाना चाहता है और दोस्तों क्या होने वाला है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। कैसा रहेगा दोस्तों आपके 24 घंटे, क्या कुछ सावधानी रखनी है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपको अपनी मेहनत और कार्य क्षमता बनाए रखनी होगी और किसी विशेष कार्यों में बहुत जल्द ही उचित सफलता आपको मिलने वाली है। सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। कोई बहुत बड़ा निवेश करने के लिए भी समय बड़ा उत्तम चल रहा है। भविष्य में उचित लाभ भी आपको देकर जाएगा। घर परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो गुस्से और आवेश की बजाय आप धैर्य और शांति से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से भी दोस्तों आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप में है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो जितना संभव हो सके आपस में ही सुधार करने की कोशिश करें। किसी थर्ड व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना करें। कार्य क्षेत्र में दोस्तों रुकी हुई योजना पर काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको नज़र रखनी होगी। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी कई परेशानियों का हल भी मिल सकता है। कानूनी मामले सुलझने में अभी समय लग सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण लाभदायक यात्राएं संपन्न होंगी। घर, दुकान, ऑफिस आदि की मरम्मत सुधार संबंधित योजनाएँ बनेंगी। दिन का कुछ समय किसी आध्यात्मिक गतिविधि अथवा स्थल पर बीत सकता है। आर्थिक मामलों में काफ़ी सूझबूझ व सोच विचार से निर्णय लें। व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन व्यय होने की आशंकाएं बन रही हैं। संबंधों में खटास आ सकती है। बड़े बुजुर्गों का भी उचित मान सम्मान बनाकर रखिए। वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। पैसों के लेन देन में सावधानी रखना बेहद ही ज़रूरी है। धोखा हो सकता है। बदलते वातावरण की वजह से जो कुछ भी नई नीतियां बना रहे हैं वे आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप अपने कार्यों का भी बेहतरीन तरीके से उन्हें अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ में संबंध आपके मधुर होंगे। किसी नई योजना को व्याख्यान्वित ना करें क्योंकि कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। योजनाओं के बारे में बात करें तो उसे कार्य रूप देने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कोई दुखद समाचार भी इस दौरान आपको मिल सकता है। साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि किसी नए योजना को अभी क्रियान्वित ना करें क्योंकि कोई भी उचित परिणाम हासिल अभी आपको नहीं होगा। योजनाओं को कार्य रूप देने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में छोटी से छोटी बारीकियों पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि व्यवसायिक नज़रिए से दिन आपका बड़ा बेस्ट है। पार्टनरशिप से संबंधित बिजनेस से पार्टनरशिप रखना काफ़ी ज़रूरत होगी और नौकरी में देर दराज का प्रोग्राम भी बन सकता है। परिवार के साथ में जो दिन हैं आपके वो खुश भरे बीतने वाले हैं। आप अपने कार्य कुशलता तथा कार्य के बल पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। मन में कुछ बेचैनी जैसी स्थितियां रह सकती हैं। बेहतरीन है कि खुद को व्यस्त रखें। आप किसी के द्वारा की गई कोई नकारात्मक बेचैन कर सकती है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आय के साथ साथ खर्चों की अधिकता भी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन बने रहेंगे। कोई भी कार्य करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें क्योंकि स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय कुछ भी किसी भी हालात में गलत साबित हो सकते हैं। तो जब भी आप निर्णय लें तो उसके अच्छे बुरे पहलुओं को
बहुत ही बारीकी से जान लें, परख लें, समझ लें। अगले 24 घंटे की बात करें तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो कोई उपाय हम आपको बता रहे हैं, उस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन से बहुत जल्दी संकट दूर हो सकते हैं। देखिए, काला धागा आपको लेना है, उसके बाद उस काले धागे में नौगठान आपको अपने मनोकामना बोलते हुए बांध देनी है। नौगठान बांधने के बाद में हनुमान जी को समर्पित करके वो धागा घर ला करके घर की दहलीज की चौखट पर आपको बांध देना चाहिए, चाहे वो लाल धागा हो, काला धागा हो। चौखट पर बांधने के बाद में रोज़ डेली जब भी आप पूजा अर्चना करें, उसे भी धूप ध्यान करते रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें और याद करते रहें। ऐसा आपको अगले 24 घंटों में कभी भी करना है, शाम को 7 बजे से पहले पहले। ये उपाय करने के बाद में अगले 21 दिन तक आपको इनकी पूजा पाठ करनी है। अगले 21 दिन में आपकी जो भी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। अगर नहीं भी होती हैं तो आप 41 दिन तक उस मनोकामना को जारी रख सकते हैं। 21 दिन बाद वह धागा फिर से आपको हटा करके बहते पानी में बह देना है, उसके बाद में फिर आप दूसरा धागा बांध सकते हैं। दो धागे 21 दिन तक जैसे ही आप बांधेंगे, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भोलेनाथ से हम भी ये प्रार्थना करेंगे। अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो दोस्तों, देखिए कोई विपरीत परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, सावधानी रखने की काफ़ी आवश्यकता है। गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से आपको परेशानियाँ भी होती हैं, रिलेशन में परेशानियाँ होती हैं, बाहर परेशानी होती है, तो इसमें काबू रखने की कोशिश करें। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाने से काफ़ी सुधार आएगा। व्यवसाय में मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में मेलजोल बढ़ेगा, जिससे लाभदायक अनुबंध प्राप्त होगा। शिव भरपूर मेहरत की ज़रूरत है, निश्चय ही आपको फ़ायदा होगा। हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से परिस्थिति पर काबू पा लेंगे। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो संदर्भ में बहुत ही मेहनत की आपको ज़रूरत है। समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं, इनका सम्मान करें। लाभ के नए मार्ग पर विश्वस्त होंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ पर धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दोस्तों, देखिए ग्रह स्थितियां हैं वो आपके पक्ष में हैं, उनका सम्मान करें। लाभ के नए नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। रज़ी के रिश्तेदारों के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का मौका भी प्राप्त होगा। आलस और सुस्ती को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी होगी। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बनेगा। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बेहद ही ज़रूरी है। आपकी लापरवाही व लेट लतीफ़ी के कारण कोई ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें तथा अधिकतर काम घर में ही रहकर संपन्न करें। आज आपका कोई अनुभव आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। विपरीत परिस्थिति में उचित हल मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में शांत रहें, स्थिर रहें। भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ में तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आप शांत रहेंगे तो स्थिति आप सुधार लेंगे। दूसरों को सलाह देने की बजाय आप खुद के व्यवहार को बदलने की कोशिश करिए, खुद पॉजिटिव होने की कोशिश करें, जिससे आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आपको परेशानियाँ नहीं होंगी। बिजनेस में मुनाफे के योग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो बदलाव आपने किए हैं, उनका उचित परिणाम आपको हासिल होगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने में अभी कुछ रुकावटें आ रही हैं, परंतु समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। इसी के साथ में दोस्तों, बात करें कुछ खास अनुभवों की, तो दोस्तों वो आप अगले 24 घंटे में महसूस करेंगे। कुछ खास जानकारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी, कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आस पड़ोस में संबंधों को बनाकर रखें। कभी कभी आपका जो उग्र स्वभाव है वो आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। व्यवसायिक दृष्टि से समय बड़ा उत्तम चल रहा है, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। कर्मचारियों का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। इससे संबंधित मांग माध्यम से फ़ोन अथवा कोई सूचना आपको मिल सकती है। अति व्यस्तता की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान आप नहीं दे पा रहे हैं। विद्यार्थी स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन कामकाज में रुकावटें नहीं आएंगी। जलन की भावना से कुछ लोग आपका हित कर सकते हैं। ऑफिशियल मामलों में दूसरों की सलाह पर अमल ना करें।
दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।